विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुलहा हलके के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को दी जा रही सहायताओं का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना वायरस ने महामारी का रूप धारण कर लिया है, इससे सारी दुनिया चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ प्रदेश के लोग भी इस राष्ट्रीय आपदा में बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने लोगों का इस सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए प्रदेश की जनता द्वारा जुटाए जा रहे संसाधन भी महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। परमार ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो अपील लोगों को की गई है, वे इसका ईमानदारी से पालन भी कर रहे हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी लोगों की सहायता के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों की सराहना की और कहा कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों को कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना सहयोग देने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सुलहा हलके के लोग भी इससे अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करें। जो आज पूरे विश्व में महामारी के रूप में पूरी दुनिया को जिसने भयभीत किया हुआ है और हिंदुस्तान भी और हिमाचल प्रदेश भी इसकी चपेट में है, परंतु मैं हिंदुस्तान की जनता का, हिमाचल का, जिला कांगड़ा का, की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि हम इस महामारी से अगर मुक्त रहना चाहते हैं तो घर के अंदर रहें, सड़कों पर ना उतरें, और जो लॉकडाउन है और कर्फ्यू है उसका अक्षरशः पालन करें। मैं हिमाचल की जनता का, जिला कांगड़ा, सुलहा की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस तमाम आदेशों का मन वचन से पालन किया है। मेरी उनसे एक बार फिर करबद्ध निवेदन है कि ये जो लॉकडाउन है और कर्फ्यू है, ये किसी और के लिए नहीं, हमारे सुरक्षित जीवन के लिए है, ये हम सभी के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारे समाज के लिए है। इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्थानीय जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस समय जो प्रवासी हैं या यहां पर मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनको भी किसी प्रकार का अन्न का, खाद्यान्न का कोई भी कमी नहीं आ रही है। हमारा प्रशासन बिल्कुल सतर्क है, जहां जहां उनके ध्यान में आ रहा है वहां पर जा करके लोगों का, प्रवासियों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का भी अन्न से या अन्न दाल इत्यादि से वो सारा राशन का प्रबंधन हो रहा है। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि पीएम रिलीफ फंड और सीएम रिलीफ फंड के लिए भी लोग भारी संख्या में, लोगों में उत्साह है कि इस आपदा के समय हम भी कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहते हैं। और मैं सुलहा विधानसभा क्षेत्र में ही देख रहा था, जहां जहां पर मैं गया हूं वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता ने भरपूर सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। क्योंकि आपदा के समय, विपत्ति के समय संसाधनों की जरूरत होती है और ये संसाधन जनता के द्वारा ही जुटाए जाते हैं, तो उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। कुल मिलाकर के जो राष्ट्रीय संदेश समय समय पर आए हैं, चाहे वो कर्फ्यू लगाने की बात हो, चाहे लॉकडाउन लगाने की बात हो, चाहे सड़क पर ना उतरने की बात हो, अपने घर में रहने की बात हो, कर्फ्यू के समय ढील देने पर उस परिधि का उल्लंघन ना किया जाए उसकी बात हो, इन सारी बातों के लिए जो जनता सहयोग कर रही है उसका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं।